हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी फार्मा जॉब्स। मैं सर प्रत्युष सर, आप उस चैनल पर हैं जहां आपको फार्मा रिगार्डिंग सभी प्रकार के जॉब अपडेट, नोटिफिकेशन अपडेट और वैकेंसी अपडेट्स मिलते रहते हैं। जी हां, जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं, भारत का राजपत्र द गैजेट ऑफ इंडिया। हां जी, आज इस पर हम बात करेंगे, इसे डिस्कस करने जा रहे हैं। क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि इस गैजेट में एक ऐसी बात लिखी हुई है जिससे फार्मेसी के स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा खुशी मिलने वाला है। जी हाँ, 722 अपकमिंग फार्मासिस्ट की पोस्ट आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। जी हाँ, 722 एक बम्पर वैकेंसी जिसमें बैचलर इन फार्मेसी के कैंडिडेट्स को एलिजिबल बनाया है। क्या कुछ अपडेट है यहाँ पर बात करेंगे, और क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो यहाँ सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ बैचलर इन फार्मेसी के कैंडिडेट्स को एलिजिबल बनाया है। इट मीन्स अब यहाँ से ग्रेड पे भी आपको पहले के मुताबिक ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ग्रेड पे भी मतलब एक सैलरी भी आपको अच्छी खासी यहाँ पर मिलेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, 722 पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकलने वाली है, अपकमिंग है। तो जुड़े रहेंगे इस यूट्यूब चैनल के साथ, किसी भी तरीके का अपडेट होता है रिगार्डिंग दिस, या फार्मा सेक्टर में किसी भी तरीके का जॉब अपडेट आता है, वैकेंसी अपडेट आता है, सारे डिटेल्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अगर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को क्लिक कर देना, ताकि सबसे पहले आपके मोबाइल फ़ोन में ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स पहुँच सके। चलिए बात करेंगे यहाँ पर। ये गैजेट अभी पास हुआ है इंडियन भारत सरकार के द्वारा, तो अपन यहाँ पर देखेंगे, यहाँ बहुत सारे ऐसे पोस्ट के बारे में इन्होंने बताया है, बहुत सारे ऐसे पोस्ट आ रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से पोस्ट आ रही हैं, क्या उसकी एलिजिबिलिटी रहेगी, सारे डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। लेकिन अपन बात करेंगे सिर्फ फार्मेसी के लिए, ठीक है? तो आपको यहाँ पर देखना है CGHS से ये पोस्ट आई हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम वाली बॉडी है, तो वहाँ से आपको अच्छा खासा एक फ्यूचर, एक अच्छा खासा आपको वेल सेटल जॉब मिल सकता है। चलिए, ये हिंदी में दिया हुआ है, अपन इंग्लिश वर्जन में देख लेंगे। नीचे आपको नोटिफिकेशन PDF का लिंक भी मिल जाएगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करके एक बार जरूर से क्रॉस वेरीफाई कर लेना, चेक कर लेना अच्छे तरीके से। चलिए यहां पर क्या बोला गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम डिवीजन CGHS, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। जी हाँ, ये पोस्ट निकालने जा रहे हैं फार्मासिस्ट की। कुल मिलाकर देखिएगा, संख्या देखिए, कुल मिलाकर 722 पोस्ट, ठीक है? और ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। यहाँ पर स्टार मार्क यही इंडिकेट करता है कि इस संख्या को बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। एलोपैथिक फार्मासिस्ट की जॉब रहेगी, ठीक है? सेंट्रल आपके जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी के तहत रहने जा रहा है। और यहाँ पर ग्रेड पे की बात करें, सैलरी की बात करते हैं, तो आपका पे लेवल्स 5 यहाँ पर रहने जा रहा है, 29,200 रुपये ये आपकी स्टार्टिंग सैलरी, ठीक है? ये देखते हुए चलेंगे। एज लिमिट देखिए, 18 से 27 साल के अंदर तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर पूरा डिटेल दिया हुआ है, कौन से एरिया से, जैसे अहमदाबाद से 22 पोस्ट, बेंगलुरु से 24 पोस्ट, भोपाल में 6 पोस्ट, भुवनेश्वर में 10 पोस्ट, चंडीगढ़ 14, चेन्नई 36, देहरादून 6, दिल्ली 232 देखेंगे ध्यान से, है ना? गुवाहाटी में 10, हैदराबाद 40, जबलपुर 12, जयपुर 22, कानपुर 18, कोलकाता 44, लखनऊ 26, मेरठ 20, मुंबई 62, नागपुर 32, पटना 18, पुणे 20, प्रयागराज 20, रांची 8, शिलोंग 8 और त्रिवेंद्रम 12। चलिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट वेरिएशन डिपेंडेंट ऑन द वर्कलोड, मतलब जहाँ पर स्टार लगा वो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ये कर लेंगे क्लियर। हाँ जी, अब यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि बैचलर इन फार्मेसी के कैंडिडेट्स को एलिजिबल यहाँ पर बनाया हुआ है। देखते हुए चलेंगे, यहाँ पर बोल दिया गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बैचलर डिग्री इन फार्मेसी ये होना चाहिए, साथ ही साथ कहाँ आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए फार्मेसी एक्ट के अंतर्गत, फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए, तभी जाकर आप एलिजिबल हैं। या अगला क्या बोला है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, मतलब अगर आपका फार्म डी है तो फार्म डी के कैंडिडेट्स भी यहाँ पर एलिजिबल हैं, ठीक है? तो जिनका रजिस्ट्रेशन रुका हुआ है जी, तुरंत तुरंत जाकर रजिस्ट्रेशन करवा लो, क्योंकि जैसे ही ये पोस्ट आएगा आपको बहुत कम समय मिलेगा प्रिपरेशन के लिए, अभी से जुड़ जाओ और प्रिपरेशन स्टार्ट करने लग जाओ। क्योंकि जब भी आए डेट, आपको डेट पे नहीं देखना है कब आ रहा है क्या आ रहा है,
आपको अपना पढ़ाई निरंतर तौर से चालू कर देना है, ठीक है। चलिए, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए जुड़े रहना GDC फार्मा जॉब्स के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।